अल्ट्रा भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें। ओंकार सृष्टि के आरंभ से लेकर सृष्टि के अंत तक अणु अणु में वास करने वाला मैं जगत का कर्णधार हूं। मैं ओंकार जलंधर के राज्यसभा में प्रवेश करते ही असुरगण उसकी जयकार करते हैं। शुक्राचार्य भी वृंदा से उसके विवाह की घोषणा करते हैं। एक दिन वृंदा को वन प्रदेश में जलंधर वन देवता बनकर घेरता है और युद्ध में उससे परास्त होकर अपना भेद प्रकट करता है। जब दैत्य सेनापति धस्मर जलंधर की अधीनता स्वीकार करने का संदेश लेकर इंद्र के पास आता है तो गुरु बृहस्पति उसे निराश लौटा देते हैं। देख रहे हैं देवराज, द्रोणगिरी पर्वत के स्थान पर गहरा गड्ढा हो गया। हाँ देवराज, द्रोणगिरी कहाँ गया? आश्चर्यचकित तो मैं भी हूं। देवगुरु बृहस्पति व अन्य देवगण भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये तो चिंता का विषय है। क्या हुआ गुरुदेव? जो नहीं होना था वो हो गया देवराज। महाबली जलंधर ने द्रोणगिरी को खाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। क्या? समुद्र में? द्रोणगिरी को समुद्र में फेंक दिया जलंधर ने? क्या इतना बलशाली है वो? द्रोणगिरी को उखाड़ कर फेंक दिया? उस ओर देखे देवराज, लौट रही है अपने जीवित सैनिकों के साथ। जय गुरु बृहस्पति की जय। जय गुरु बृहस्पति की जय। दैत्यराज महाबली जलंधर 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 की जय। महारानी वृंदा की जय। दैत्यराज महाबली जलंधर की जय। महारानी वृंदा की जय। केवल स्वागत वृंदा और कुछ नहीं, प्रशंसा भी। देवगुरु बृहस्पति के द्वारा देवगुण को बचाने के सभी प्रयत्न व्यर्थ कर दिए आपने। त्राउन कीड़े को तो उठाकर समंदर में ही फेंक दिया आपने। आवश्यकता ही नहीं पड़ी वृंदा, नहीं तो तेरा ये भुज परिपति समुद्र को उठाकर द्रोणगिरी पर फेंक देता। जानती हूँ आपकी असुरी शक्ति की कोई सीमा नहीं। महाबली जलंधर के लिए सीमा कौन तय करेगा? जो करेगा मारा जाएगा महाबली जलंधर के हाथों से। गुरु शुक्राचार्य की जय। शुक्राचार्य क्यों, क्या हुआ? क्या मुझे भी बार बार गुरुवर शुक्राचार्य कह कह कर बार बार नमन करना होगा? गुरु, क्या मेरा एक बार का नमन और गुरुवर कहना क्या एक वर्ष के लिए बहुत नहीं? गुरु, इतना समय कहां है महाबली जलंधर के पास कि वो बार बार नमन करता रहे से पहले गुरुवर कहता रहे? गुरु, मेरी ओर से थोड़े को ही बहुत समझो, क्योंकि बहुत तो मैं स्वयं हूं। क्यों गुरु, उचित है ना? माता पिता व गुरु अपने योग्य और सबल शिष्य व पुत्र की अभद्रताएं सहन कर लेते हैं, मैं भी कर लूंगा, किंतु गुरु मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कहता हूं, जैसे मैंने द्रोणगिरी को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया है,
वैसे ही तुम भी अपने मूल से किंतु परंतु उखाड़ कर समुद्र में फेंको। उससे क्या होगा महाबली? गुरु अपना सुर नीचे करो, नीचे। असुर के समुख सुर ऊंचा उठाने से असुर की असुरता बढ़ जाती है। वैसे भी महाबली जलंधर ऊंचे सुर बोलता है, सुनता नहीं। जो सत्य में जानता हूं उसे क्यों दोहरा रहे हो तुम? तुम महाबली हो, पराक्रमी हो, साहसी हो, अजय हो। द्रोणगिरी जैसे विशाल पर्वत को उखाड़ना और उखाड़ कर उठाकर उसे समुद्र में फेंक देना बड़े बड़े बलवानों के वश में नहीं। तुम जगत के सर्वाधिक शक्तिशाली असुर हो, इतने पर भी फिर वही गुरु घुमा फिराकर तुमने किंतु का प्रयोग कर ही डाला। इतने पर भी का अर्थ किंतु ही होता है ना? अर्थात मैं अपनी बात न कहूं, सत्य के रूप में जो विपदा तुम्हारे सर पर मंडरा रही है उसे ना कहूं? कहो, अवश्य कहो, ताकि मैं उसे भी समुद्र में फेंकूं। तो सुनो महाबली, द्रोणगिरी को समुद्र के अथाह तल में डुबोकर और उसके साथ देवगुरु बृहस्पति की योजना को भी नष्ट करके तुमने देवताओं के मन में अपने प्रति क्रोधाग्नि को बढ़ा दिया है। उनके मन में बैठी घृणा और प्रतिशोध की भावना का आकार तुमने बढ़ा दिया है। अब वे शांत नहीं रहेंगे। उनके मन की अशांति तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्रों की रचना अवश्य करेगी। तुम्हारी असावधानी उनके षड्यंत्रों को मार देगी। वे ऐसा करें उससे पूर्व तुम स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। हाँ स्वामी, गुरुवर शुक्राचार्य का अनुमान बिल्कुल सत्य है। आपको स्वर्ग पर आक्रमण कर ही देना चाहिए। महाबली जलंधर के दरबार में और जलंधर के सामने गुरु का अनुमान यदि असत्य भी होगा तो वो सत्य हो जाएगा जिसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। मत भूलो महाबली कि तुम्हारी पति परायण पत्नी वृंदा का सौभाग्य पग पग पर तुम्हारे भुजाबल और वाणी बल का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इसका सौभाग्य सदैव छत्र बनकर तुम्हारे भाग्य की रक्षा करता है। और जब तक ऐसा है इस जगत का बड़े से बड़ा शत्रु भी तुम्हारी छाया को छू नहीं सकता। मानता हूं ना गुरु, प्राणों से भी अधिक प्रिय पत्नी पति के प्राणों की रक्षा करती है। वृंदा भी मेरे प्राणों की रक्षिका है। ऐसा क्यों कहते हो स्वामी? ये तो मेरा कर्तव्य है। सत्य ही बोल रहा हूं वृंदा, और दूसरा सत्य यह है कि मैं स्वर्ग पर आक्रमण करने की घोषणा करता हूं। सैनिकों तैयारियां करो, हमें स्वर्ग पर आक्रमण करना है। दैत्यराज महाबली जलंधर की जय। देवगुरु बृहस्पति की जय। देवगुरु बृहस्पति की जय। किसकी जय और कैसी जय? शत्रु ने हमारे पराजय की पूरी तैयारियां कर ली है। ये समय जयकार का नहीं, सावधान हो जाने का है देवराज इंद्र। क्या बात है गुरुदेव, आप इतना व्यग्र क्यों हैं? व्यग्रता का कारण है देवराज, जलंधर ने द्रोणगिरी समुद्र में डुबोकर ये प्रमाणित कर दिया है कि उसकी शक्ति अटूट है। जब किसी दुष्ट प्रवृत्ति वाले असुर को अपनी शक्ति और प्रबलता का ज्ञान होता है तो वो चुप नहीं बैठता। शांत अपरिचित और निर्दोष प्राणियों का जीवन दुर्लभ कर देता है, तो फिर शत्रुओं पर वार करने से उसे कैसे रोका जाए? हम उनके शत्रु हैं देवराज। तो अब हमें क्या करना होगा गुरुदेव? देवराज, साधारण विषय में कभी कभी अपनी बुद्धि का बल भी प्रयोग किया करें। सदा मैं ही बताता रहूं कि क्या करना है। जलंधर अपनी शक्ति का प्रमाण दे चुका है, अब शुक्राचार्य उसे शांत नहीं रहने देगा। वो उसकी असुरी शक्ति का हमारे विरुद्ध अवश्य प्रयोग करेगा। वही निवेदन कर रहा हूं गुरुवर कि उसकी आसुरी शक्ति को रोकने के लिए हम क्या उपाय करें। देवराज,
इस समय हमारे एकमात्र रक्षक भगवान विष्णु है। हमें शीघ्र ही उनकी शरण में जाना चाहिए। असुर अवश्य स्वर्ग लोक पर पुनः आक्रमण करेंगे। यदि हमने सुरक्षा का उपाय करने में विलंब किया तो हम शत्रु को पराजित नहीं कर पाएंगे। केवल भगवान विष्णु ही उन्हें रोक सकते हैं। वैकुंठ नाथ श्री हरि विष्णु की जय। माता महालक्ष्मी की जय। आदरणीय अतिथिगण का सत्कार हो। पधारिए देवराज, देवगुरु एवं देवगण। पधारिए देवगण, पधारिए गुरु बृहस्पति। कहिए, सब कुशल मंगल तो है? प्रभु, यदि स्थिति कुशल मंगल की होती तो आपको कष्ट देने क्यों आते? अर्थात विषम स्थिति और अमंगल की आशंका वश आप यहाँ आते हैं। सत्य यही है देवी। अब कौन सा नया कष्ट आ गया देव गुरु? कष्ट तो वही है प्रभु, किंतु इसका रूप नया है। ये जलंधर तारकासुर का ही संस्करण है। इसने तो हमारी सुरक्षा के सारे मार्ग ही अवरुद्ध कर दिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और दैत्यराज जलंधर ने देवगण के विनाश की नई नई विधियां खोज डाली हैं। अब वो किसी भी समय स्वर्ग पर आक्रमण कर सकते हैं। जलंधर का संहार कर इस विनाश से हमारी रक्षा करें वैकुंठपति, इस विनाश से हमारी रक्षा करें। देवराज, देवगण की रक्षा में हम सदैव तत्पर रहे हैं और भविष्य में भी तत्पर रहेंगे। रहे हैं और रहेंगे, वो तो ठीक है प्रभु, किंतु इस समय चिंता और चर्चा अतीत व भविष्य की ना होकर वर्तमान की है। यदि इस समय भी आप तत्पर रहेंगे तो ही हमारी रक्षा संभव हो सकेगी प्रभु। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं देवराज, हम निश्चित रूप से स्वर्ग की रक्षा करेंगे। किंतु महाप्रभु, समय बहुत कम है, आप जो कुछ करना चाहते हैं शीघ्र करें। हाँ वैकुंठनाथ, वो किसी भी समय हम पर आक्रमण कर सकते हैं। ठीक है देवराज, आप चलकर स्वर्ग की रक्षा पंक्ति तैयार करें, हम शीघ्र ही वहां पहुंचते हैं। अनेक अनेक धन्यवाद प्रभु। स्वामी, क्या आप मेरे भाई जलंधर का वध करने वहां जाएंगे? नहीं देवी, कदापि नहीं। मैं तुम्हारी व्यग्रता समझ रहा हूँ, पर तुम निश्चिंत रहो, जलंधर का वध मेरे हाथों से नहीं होगा। आप कहते तो हैं, पर देवगण के पक्ष में अनेक बार असुरों के साथ छल तो किया है। अवश्य किया है, देवगण के पक्ष में असुरों से छल किया है, किंतु देवगण के पक्ष में कभी किसी देव अथवा देवी से छल नहीं किया। और देवी, ऐसा छल व्यवहार स्वाभाविक और दोष रहित है। इसके लिए हमें ग्लानि नहीं गर्व है। सज्जन की रक्षा करने के लिए दुष्टों से छल करना नीति संगत माना गया है। नीति अनीति मैं नहीं जानती स्वामी, मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि जलंधर मेरा छोटा भाई है। और मैं ये भी जानती हूँ कि एक बार सुदर्शन चक्र आपके हाथ से निकल जाए तो वो शत्रु का संहार करके ही लौटता है। इसलिए आप मुझे वचन दीजिए स्वामी कि आप मेरे भाई जलंधर पर सुदर्शन चक्र नहीं चलाएंगे। विश्वास करो देवी, ऐसा नहीं होगा। मुझे विश्वास नहीं, वचन चाहिए स्वामी। हम वचन देते हैं कि जलंधर पर सुदर्शन चक्र नहीं चलाएंगे, किंतु हम स्वर्ग की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, हमें तुरंत स्वर्ग जाना होगा। हे प्रभु, कहाँ है? हे
श्री हरि विष्णु हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें प्रभु, हमारी रक्षा करें। Jai 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 Jai